नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा शनि देव के गोचर को लेकर कि जब जब ग्रह ब्रह्मांड के अंदर विचरण करते हैं तो उसका राशि विशेष पर होता है प्रभाव। वो राशि विशेष व्यक्ति को अपने गोचर के कारण धन संपदा मान सम्मान प्रसिद्धि शोहरत देता है, और अगर कुंडली के अंदर बल बहुत अच्छा हो तो करोड़पति अरबपति तक भी बना देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी अगर गोचर अच्छा आया तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के अंदर हो उसके लिए वो सफलतादायक होगा ही होगा। अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा तो बहुत बड़े पैसे में पहुंचेगा, और अगर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा तो समझ लीजिए उसको काम भी लगेगा, उस काम के अंदर पैसा भी कमाएगा और बैंक बैलेंस भी इकट्ठा करेगा। ऐसे ही देते हैं शनिदेव कुंडली के अंदर फल। मैं आज आपको बताऊंगा कि शनिदेव के ट्रांजिट के कारण वो कौन सी राशि कौन सी लग्न वाले लोग हैं जो आगामी 4 वर्षों में उठा सकते हैं बहुत ज्यादा लाभ, अपने कार्य क्षेत्र में पा सकते हैं बहुत बड़ी तरक्की। बिल्कुल साइंटिफिकली लॉजिकली मैं इस ट्रांजिट के बारे में आपसे बात करूंगा कि किन किन राशियों पर यह ट्रांजिट फॉलो करेगा और निश्चित आपके आय के साधन खोलेगा, पैसे की स्थिति को बढ़ाएगा, मान सम्मान शोहरत बढ़ाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि शनिदेव जब किसी राशि पर मेहरबान होते हैं तो उसको वो सब चीज की प्राप्ति होती है जिसकी उसकी मन से इच्छा होती है कि मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन मुझे कर्म का फायदा नहीं मिल रहा। इस कर्म का फायदा मुझे कैसे मिलेगा ये बताएंगे आपके शनिदेव। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के बारे में कि उन 5 राशियों में जो सबसे पहली मुख्य राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए ये योग है। मैं यहां राशि लग्न दोनों को लेकर चल रहा हूं, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि आज के समय में शनि देव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि उनकी स्वयं की अपनी राशि कहलाती है। स्वराशि में आपकी राशि और लग्न से दशम स्थान में रह ग्रह चल रहे हैं शनि देव, यानी दशम भाव कर्म का भाव है, ये आपसे कर्म करा रहा है। कर्म कराने के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है ये ग्रह। क्योंकि ये स्लो प्लेनेट है, धीरे धीरे प्रगति कराते हैं, इसलिए आपसे धीरे धीरे करके योजनाएं बनवाएंगे, उन योजनाओं से आपको फायदा दिलाएंगे। वो योजनाएं दूर दराज से जुड़कर हो सकती हैं, बाहर के लोगों से जुड़कर हो सकती हैं, साथ ही साथ वो सभी योजनाएं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर भी होंगी। जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहां पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका औहदा बढ़ेगा, प्रमोशंस होंगे, नए नए लोगों के साथ आपकी मिलन बातचीत होंगी जिनसे आपको फायदा मिलेगा। ये शनिदेव भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी आपको देंगे। यह स्थिति रिनोवेशन भी करा सकती है मकान में, किसी न किसी प्रकार के फ्लैट प्रॉपर्टी परचेज मकान दुकान ऑफिस आदि भी दिला सकती है। कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देकर भी पैसा कमा लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति व्यापार के लिए अच्छी, नौकरी के लिए अच्छी, साझेदारी के लिए अच्छी। और आप देखिएगा कि अप्रैल 2022 के बाद शनिदेव फिर गोचर करेंगे कुंभ राशि के अंदर आपकी राशि से लाभ भाव में, यानी जितना अभी तक आपने काम किया उस काम का लाभ लेने का अवसर आपको आ गया। क्या आपने मेहनत करके योजना बना ली, मेहनत करके बिल्डिंग तैयार कर ली, फैक्ट्री तैयार कर ली, लोगों की टीम तैयार कर ली, अब उस टीम से फायदे लेने का समय आ गया है। तो वो फायदे लेने का समय आएगा आपका अप्रैल 2022 के बाद, जब शनि आपकी राशि से लाभ स्थान में बैठेंगे। और लाभेश जब अपनी स्वराशि के अंदर होता है तो निश्चित लाभ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, सोर्स ऑफ इनकम पैदा करेगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। दिन दुनी रात चौगनी मेहनत करेंगे तो आप समझ लीजिए दिन दुनी रात चौगनी आमदनी भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस ग्रह को सबसे ज्यादा प्रिय है मेहनत। मेहनत आपको करवाएगा और उससे आपको हमेशा लाभ की तरफ अग्रसर करेगा।
मान सम्मान में आपकी वृद्धि कराएगा, संतान पक्ष से सहयोग दिलाएगा, संतान प्राप्ति भी कराने में सक्षम है। साथ ही साथ ये स्थिति आपके घर के अंदर शुभ मंगल कार्य कराएगी। घर परिवार में बेटा या बेटी के विवाह के अवसर भी ऐसे समय पर पैदा होते दिखाई देते हैं। तो ये योग जो कि अभी लगभग 2024 तक आपको प्रभावित करेगा, निश्चित है आपके आय के अवसर भी बढ़ाएगा, कार्य के अवसर बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा मार्केट के अंदर आपकी बढ़ेगी। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हो, लेकिन ये राशि और लग्न से जो गोचर आ रहा है वो आपको देगा 100% सफलता, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि मेष राशि मेष लग्न वाले कुछ स्वभाव में चंचल और जल्दबाज किस्म के होते हैं, इसलिए थोड़ा सा उन्हें इन चीजों पर संयम भी रखना होगा, क्योंकि शनिदेव जिस प्रकार की योजना आपके लिए तैयार कर रहे हैं उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन देंगे आपको निश्चित। तो ये आने वाला समय आपके लिए सुखद होने वाला है। अब मैं बात करूंगा अपनी दूसरी राशि के बारे में। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं और शनिदेव उनके परम मित्र कहलाते हैं। अभी ये राशि चल रही है आपकी राशि से भाग्य स्थान में चल रहे हैं शनिदेव। वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए ये योग चल रहा है आपके भाग्य स्थान में, यानी आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए शनिदेव प्रस्तुत हैं वहां पर। स्वराशि के हैं यानी भाग्य बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, और भाग्य स्थान से बैठकर आपके लाभ स्थान को कर रहे हैं केंद्रित, यानी के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए तैयार है वो ग्रह, आय के साधन बढ़ाने के लिए तैयार है ग्रह, क्योंकि वो भाग्य स्थान में है यानी भाग्य के अंदर प्रबलता देगा। स्वराशि का है, आपको ईश्वरीय कृपा मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपके आशीर्वाद फलेंगे। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में आप बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि राशि से भाग्य स्थान में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को भी देखा जाता है, तो उनके संपर्क में आकर भी आप अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ अप्रैल 2022 के बाद जब ये ग्रह आपकी राशि से दशमस्थ हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, क्योंकि वो भी इनकी स्वराशि होगी शनिदेव की और मूल त्रिकोण राशि भी होगी, यानी दोनों ही परिस्थिति में शनिदेव आपको बेहतर परिणाम अवश्य देने वाले हैं, क्योंकि राशि से दशम में आएंगे तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, नए नए अवसर मिलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बनाने के नए अवसर मिलेंगे, कार्य को जमाने के नए अवसर मिलेंगे, नए नए लोगों से मुलाकात बातचीत होंगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यापार के अंदर हो, लेकिन सभी स्थितियों में ये स्वग्रही शनि, ये मूल त्रिकोण राशि के शनि आपकी राशि के मित्र हैं शनि, तो इसलिए आपके लिए अच्छा ही करेंगे। दूर के स्थानों से संपर्क साधेंगे, टू ट्रेवलिंग से फायदा देंगे, विदेशों से संपर्क साधकर फायदा देंगे, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देने में ऐसा प्लेनेट सक्षम है, यानी आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, ऑफिस के लिए कोई जगह चाहिए, कार्य करने के लिए कोई जगह खरीदना चाहते हैं, तो शनिदेव इस कार्यकाल में आपको अवश्य इस प्रकार का फल देंगे, यानी वर्तमान की स्थिति से लेकर 2024 तक की स्थिति आपके लिए बहुत सुखद दे रही है। यानी योजनाएं बनाइए, योजनाओं पर कार्य करिए, आप तो स्वयं ही स्थिर स्वभाव वाले हैं इसलिए इंतजार कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति धैर्यशाली होते हैं और जिसके पास धैर्य है शनिदेव उसे अपनी दशा के अंदर अपने गोचर के अंदर अवश्य अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि ये ग्रह धैर्यशाली ग्रह है, धीरे धीरे चलता है, परीक्षा लेता हुआ चलता है व्यक्ति की, और हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया परिणाम अवश्य लेंगे। तो वृषभ राशि वालों हो जाओ तैयार अच्छी योजना बनाने के लिए, जीवन में लाभ पाने के लिए। यहां मैं बात करूंगा आप अपनी तीसरी राशि जिसका नाम है तुला राशि, तुला लग्न वालों के बारे में बात करूंगा कि तुला राशि और तुला लग्न से होते हैं शनिदेव योग कारक। वर्तमान स्थिति में वो आपकी राशि से शश नामक महापुरुष योग बनाकर चल रहे हैं।
यानी राशि से चतुर्थ में बैठे हुए शनिदेव चौथे घर को सवार रहे हैं, समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि दे रहे हैं, राजनीतिक कार्यों में रुचि दे रहे हैं, यानी आप जनता के बीच जाकर जनता के बीच कार्य करके आगामी समय में लेने वाले हैं बहुत बड़ा लाभ। क्यों? व्यक्ति जब जनता के बीच जुड़ता है तो अपने कार्य का, अपने काम का जनता के बीच प्रचार प्रसार करता है कि मेरा ये काम है, मैं ये करता हूं, उससे जनता का सहयोग मिलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का राजनीतिक पद भी मिल जाता है, तो उस हिसाब से भी ये कॉम्बिनेशन बहुत सुखद है। और अप्रैल 2022 के बाद शनिदेव जब पहुंचेंगे कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, ये आपकी राशि और लग्न से होगा पंचम भाव। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण के लिए जाना जाता है, और लक्ष्मी त्रिकोण कब मिलेगी? जब बुद्धि को ठीक करेगी, जब बुद्धि आपका सही निर्णय लेगी, क्योंकि राशि से पंचम पहले बुद्धि है, बाद में लक्ष्मी है। और जब आपकी राशि और लग्न दोनों से ये पंचम मूल त्रिकोण में होगी तो आपकी बुद्धि लेगी बेहतर डिसीजन, आप सही योजनाओं पर कार्य करेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेंगे, अच्छी एजुकेशन करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी राशि से पंचम प्रफुल्लित हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है कि जब बुद्धि ठीक तो समझ लीजिए लक्ष्मी भी आपके पास आएंगी। कहते हैं जहां पर सुबुद्धि होती है वहां पर लक्ष्मी का आगमन होता है, और जहां पर कुबुद्धि होती है वहां लक्ष्मी का नाश होता चला जाता है। तो आपकी राशि से पंचमस्त है, स्वराशि मूल त्रिकोण के अंदर है, यानी सिर्फ आपको अपने सही बुद्धि, सही विवेक, सही निर्णयों का ख्याल रखना है, बाकी शनि देव पर छोड़ दीजिए, वो आपसे सही समय पर सही कर्म कराकर लाभ के अवसर खोलते रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम देते रहेंगे। जब राशि और लगन से पंचम में शनि हो तो वहां से बैठकर वो आपके लाभ और आय स्थान दोनों पर दृष्टि दे रहे होते हैं, यानी घर परिवार से भी पैसा मिलेगा, कार्य विशेष में पैसा मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की स्थितियां आपके लिए होंगी। अगर आपको विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होगा, आपकी संतान नहीं हो रही है तो उस दौरान संतान होगी, यानी सब प्रकार से आपको उस समय के दौरान बेहतरी प्राप्त होगी। जितना ज्यादा आपकी कुंडली के अंदर बल होगा उतने ज्यादा बढ़ चढ़कर ये ग्रह आपको देंगे अपनी दशा अंतर दशा में, अपने गोचर के अंदर ये फल, क्योंकि ये गोचर है और गोचर के परिणाम अवश्य बेहतर होते हैं, क्योंकि कुंडली में तो बनते हैं योग, लेकिन वो योग कब प्रफुल्लित होंगे वो गोचर पे डिपेंड करता है। गोचर संदेश वाहक का कार्य करता है यहां कि कब आपको उसे अच्छी और खराब न्यूज देनी है, तो उस लिहाज से शनिदेव बेहतर है। जब कोई भी अशुभ ग्रह राशि लगन से पंचम में हो तब व्यक्ति को अपने कोई भी बड़े डिसीजन किसी ना किसी व्यक्ति से सलाह लेकर करने चाहिए, नहीं तो उसको हो सकता है नुकसान, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन है बहुत बेहतर। मेरी चौथी राशि जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि, कोदंड राशि कहलाती है, यानी ज्ञान में अपने आप में बहुत बेहतर है ये राशि, पकड़ में बहुत अच्छी है ये राशि, लॉजिकल है, सब चीजों को देखकर चलने वाली है, सामाजिकता का ध्यान रखकर चलने वाली है धनु राशि। और इस धनु राशि से चल रहे हैं दूसरे घर में शनि, यानी ऐसे समय में कुटुंब में वृद्धि हो, कुटुंब बढ़े, वाणी से प्रचार प्रसार हो, अपनी बोलचाल के द्वारा आप लोगों को करेंगे प्रभावित, बोलचाल से जुड़े हुए कार्य करते हैं, चाहे आप वकालत करें, चाहे सीए करें, चाहे आप टीचर हों, यानी जहां पर बोलचाल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता हो ऐसे कार्य क्षेत्र में आप करने वाले हैं तरक्की, क्योंकि ये राशि से दूसरे दशम में है, धन भाव में है, तो धन का मतलब है पैसा, कहां से आएगा पैसा? जब आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग को अच्छा करेंगे, जब आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग को सुधारेंगे, तो उस लिहाज से शनिदेव बेहतर है, क्योंकि वो धन स्थान से बैठकर आपके लाभ भाव को भी दृष्टि लगातार देते रहेंगे। अप्रैल 2022 के बाद जब ये ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेगा, राशि से तीसरे में पहुंचेगा, लग्न से तीसरे में पहुंचेगा शनि,
और जब ये तीसरे में हो तो तीसरे घर में बैठकर अच्छा महसूस होता है, चाहे वो स्वभाव में कोई भी अशुभ ग्रह हो। कि शनि देव अगर राशि से 3, 6, 11 आए तो समझ लीजिए आपके लिए बेहतरी हुई, चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में फंस जाएं, ये शनि देव आपको वहां से निकाल के लाएंगे। तीसरे में है तो साहस में वृद्धि कराएंगे, योजनाओं से लाभ देंगे, मित्रों से, पड़ोसियों से, जानकारों से संबंध बनाकर आप अपने जीवन में करेंगे बहुत बेहतरीन तरक्की। साथ ही साथ ये पराक्रम का, साहस का, सहजता का घर भी कहलाता है, यानी ऐसे समय में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपका साहस दिन पर दिन बढ़ेगा। उस साहस के द्वारा आप अपनी शिक्षा में भी प्रगति लेंगे, संतान की प्राप्ति भी होगी, अपनी मेहनत से भाग्य को भी बनाएंगे, टूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से, आयात निर्यात करके, विदेशों से संपर्क साध कर, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कार्य, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कार्यों में भी आप आगामी समय में लेंगे लाभ, क्योंकि वर्तमान में भी शनि स्वराशि है और उसके बाद आगामी में भी स्वराशि होंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रिय शनिदेव को होती है मेहनत, और अगर मेहनत आपकी अच्छी है तो समझ लीजिएगा ग्रह आपका साथ देगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों, आज से ही योजना बनानी शुरू कर दो, आपके लिए आगामी समय धन लेकर आ रहा है। मेरी अगली राशि होगी शनि देव की स्वयं की ही अपनी एक राशि, वो होगी मकर राशि। मकर राशि वाले बहुत परेशान चल रहे हैं, मकर राशि वाले पीड़ित हैं कि कहीं कभी बृहस्पति नीच हो जाते हैं, कभी शनि वक्री हो जाते हैं, कभी शनि की राशि बदल जाती है, कभी गोचर ठीक नहीं रहता, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब शनि देव भले ही कुछ समय के लिए वक्री होंगे लेकिन रहेंगे आपकी राशि और लगन के भीतर ही, तो मकर राशि, मकर लगन दोनों के लिए शनि देव आने वाले समय में दे रहे हैं अच्छा योग। अभी वर्तमान में स्वराशि के हैं, आपको हिम्मत बल दे रहे हैं, आपके सम्मान को नहीं डगमगाने देंगे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में फंस जाओ लेकिन आपको ये वहां से निकाल कर लाने में सक्षम होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसे ही अप्रैल 2022 आएगा, ये आपकी इस राशि की 7.5 के तीसरे चरण में पहुंच जाएंगे, और तीसरा चरण यानी उतरती हुई 7.5 आपके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि आप अपनी राशि से दूसरे घर में पहुंच जाएंगे। राशि से दूसरे घर का शनि, लग्न से दूसरे घर का शनि दूसरे घर को बढ़ाएगा, यानी जो कुटुंब वाले विरोधी हो गए होंगे उनका साथ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई पैसा नहीं मिल रहा है परिवार से, वो मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है वो मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, कुटुंब से सहयोग मिलेगा, कुटुंब बढ़ेगा, यानी ऐसे में व्यक्ति को खुशखबरियां, संतान प्राप्ति, ऐसे भी योग मिलते हैं। साथ ही साथ आप जो बोलेंगे वो फल जाएगा, आपने जिसको जो बोल दिया वो बात सत्य सिद्ध हो जाएंगी, आपकी बातों से सामने वाला प्रभावित होने लगेगा, आपकी बातों को स्वीकारेगा, आपके कहने से पैसा लगाएगा, आपके कहने से योजना में पैसा लगाएगा, पैसा खर्च करेगा कि हाँ सर आपकी बात ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं, इसलिए मैं आपके लिए पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। और जब पैसा आएगा तो व्यापार बढ़ेगा, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में हो, यानी पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वचन से ही काम हो जाएगा कि आपने लोगों को जो बोल दिया वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। यहां पर बैठकर शनि आपके लाभ स्थान से भी संबंध बनाएंगे, यानी निरंतर धन के आगमन आपको उस दौरान मिलते चले जाएंगे, भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट आदि भी आप इस दौरान अवश्य लेंगे। कोई वाहन बदलना चाहते हैं उसका भी योग अच्छा है, रिनोवेशन कराना चाहते हैं, ऑफिस के लिए स्पेस चाहिए, कोई मकान बनाना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो निश्चितता ये शनिदेव आपको उस दौरान अच्छा खासा फल देंगे ही देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप देखिएगा, भले ही आप कुछ परेशान चल रहे हों लेकिन आगामी 2024 तक का समय आपके जीवन में एक अच्छा समय होकर आ रहा है। इंतजार कीजिए थोड़ा सा और, योजनाएं बनाइए, उन पर कार्य कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए, आने वाला समय आपके लिए सुखदायी रहेगा, इसमें कोई भी संदेह
नहीं है। तो ये थी मेरी वो पांच राशि और पांच लगन जिनसे ये शनिदेव का गोचर आपको धनदायक सिद्ध होगा। अगर कुंडली में है बहुत मजबूत योग तो समझ लीजिए आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वो ट्रांजिट है, ये वो गोचर है जो व्यक्ति को जीरो से उठाकर ऊपर तक ले ही जाएगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में पड़े हुए हो। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार से संबंधित कोई भी विषय आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।